एक टीचर एक साथ 25 जिलों के स्कूलों में नौकरी कर रही थी और इस महिला के नाम पर एक साल में 1 करोड़ रुपए वेतन के तौर पर लिए गए। मामला उत्तर प्रदेश का है, जहां अनामिका शुक्ला के नाम पर 25 कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में टीचर नौकरी कर रही थी। मामला सामने आने के बाद अधिकारियों के बीच खलबली मच गई और अब इस अनामिका के बारे में कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। पहली बात तो ये है कि अनामिका शुक्ला के नाम पर काम करने वाली महिला का असली नाम प्रिया जाटव बताया जा रहा है। अभी ये खुलासा नहीं हो सका है कि अनामिका शुक्ला कौन है जिसके दस्तावेज पर प्रिया जाटव नौकरी कर रही थी। दरअसल कस्तूरबा गांधी विद्यालयों की नौकरी में दस्तावेजों की जांच नहीं होती है, इंटरव्यू के दौरान ही असली दस्तावेज देखे जाते हैं, सिलेक्शन मेरिट से होता है। ऐसे में किसी अनामिका शुक्ला के दस्तावेजों को आधार बनाया गया क्योंकि उसके 76% मार्क्स हैं। जब शिक्षकों का डेटाबेस तैयार किया गया तो पता चला कि अनामिका शुक्ला के नाम पर एक ही पर्सनल डिटेल के साथ फुल टाइम टीचर के तौर पर 25 स्कूलों में पोस्टेड थी। हर जगह उसके बैंक खाते में सैलरी भी पहुंच रही थी। इस मामले में फिलहाल प्रिया जाटव पकड़ी गई। उसने बताया कि गोंडा के रघुकुल विद्यापीठ में BSc करते समय उसकी मुलाकात मैनपुरी के रहने वाले राज नाम के एक शख्स से हुई थी। उसने 1 लाख रुपए में नौकरी दिलाने का वादा किया था। अगस्त 2018 में राज ने उसे अपॉइंटमेंट लेटर भी दिलवा दिया। इस खुलासे के बाद पुलिस अब राज की तलाश में जुटी हुई है। वही मामला सामने आने के बाद प्रिया के पिता महिपाल ने बताया कि उन लोगों के साथ तो धोखाधड़ी हुई है। महिपाल के मुताबिक उनकी 2 बेटियां प्रतिभा और प्रिया है। बड़ी बेटी प्रतिभा हाई स्कूल करने के बाद पढ़ाई छोड़कर घर बैठी है। छोटी बेटी प्रिया ने भटासा गांव के राम दर्शनी राजकीय इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट और कायमगंज के शकुंतला देवी कॉलेज से BA किया है। प्रिया ने BSc या BEd की पढ़ाई नहीं की है। BA करने के दौरान उसकी दोस्ती मैनपुरी के रहने वाले राज नाम के एक लड़के से हो गई। वो उसे कंपिल में मिला था। उसने अपने को प्राथमिक स्कूल का टीचर बताया था। धीरे धीरे राज का घर आना जाना शुरू हो गया। BA पास करने के बाद उसने प्रिया को संविदा पर नौकरी लगवाने के लिए 1.5 लाख रुपए मांगे। जैसे तैसे 50,000 रुपए दिए गए और बाकी नौकरी लगने के बाद वेतन से काटने को कहा गया। इस पर राज भी मान गया। उसने कासगंज के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में साइंस टीचर की नौकरी लगवाई थी। वेतन मिलने के बाद उसने 1 लाख रुपए भी ले लिए। महिपाल ने आगे बताया कि शुक्रवार को कासगंज के शिक्षा विभाग से फोन आया, तब उन्हें पूरी घटना की जानकारी हुई तो उसने ही बेटे के साथ प्रिया को इस्तीफा देने के लिए भेजा था, लेकिन प्रिया वहाँ गिरफ्तार हो गई, भाई भी फंस गया। ये बताते हुए वो फफकने लगे, बोले कि बेटी की नौकरी से हम लोगों का गांव परिवार में रुकाव बढ़ गया था, लेकिन क्या मालूम था उसी लालच में हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। महिपाल ने आगे बताया कि वो बहुत गरीब आदमी है, 2 बीघा की खेती है और जैसे तैसे बच्चों को पढ़ाया है। उसकी बेटी निर्दोष है, वो तो शातिर राज के झांसे में आकर ठगी का शिकार हुई और उसके 1.5 लाख रुपए भी ठगे गए। वहीं अनामिका शुक्ला के नाम पर नौकरी करने के मामले से महिपाल ने खुद को अनजान बताया है। वहीं मामले को लेकर कासगंज बेसिक शिक्षा अधिकारी अंजलि अग्रवाल ने बताया कि अनामिका शुक्ला के मूल दस्तावेजों में धुंधली फोटो घोटाले में मददगार बनी है। इंटरव्यू में ये फोटो देखी जाती है, लेकिन तस्वीर धुंधली होने पर अभ्यर्थी के आधार कार्ड और दूसरे पहचान पत्र के जरिए सेलेक्ट किया जाता है। जिस तरह से बैंकों में अनामिका शुक्ला के नाम से खाता खुलवाया गया है, उससे माना जा रहा है कि आधार कार्ड और दूसरे दस्तावेज फर्जी हैं। प्रिया जाटव ने अनामिका शुक्ला के नाम से कासगंज में खाता खुलवाया था। प्रिया ने बैंक खाता खुलवाने में भी फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। खैर, इस मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बता दें। इस तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल TheZ+ को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हों तो हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो कर लें। शुक्रिया।